हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ बट कोई बात नहीं, द शो मस्ट गो ऑन। तो बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में और बात करेंगे शंकर जी शर्मा क्या बोले ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। शंकर जी शर्मा अभी भी काफ़ी एक्टिव है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। सबसे पहले देख लेंगे कि आज ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या क्या हुआ। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की आज क्लोजिंग फ्लैट हुई। 19 रुपीज़ 40 पैसे का हाई लगाया था, 18 रुपीज़ 60 पैसे का लो लगाया एंड क्लोजिंग दिया 18 रुपीज़ 95 पैसे पर। करीब करीब 0.25% का प्लस में क्लोज हुआ है। हालांकि देखा जाए तो आज मार्केट में इतनी गिरावट हुई थी भयंकर, उसके बावजूद भी ब्राइटकॉम ग्रुप में लोअर सर्किट नहीं लगा और नॉर्मल ट्रेडिंग ही करते रहा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। एक्चुअली देखा जाए तो सर्किट लिमिट 20% करने की ऑपरेटर लोग कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि इसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट लगे जिसके कारण इसका सर्किट लिमिट चेंज ना हो। ये कोशिश ऑपरेटर कम्युनिटी द्वारा कोशिश चल रही होगी, बट एनीवे हमारे लिए तो इतना ही है कि कम से कम लोअर सर्किट नहीं लगना चाहिए। यह इम्पॉर्टेंट बात है मार्केट में इतनी गिरावट होने के बावजूद भी। और आज वॉल्यूम भी ठीक ठाक हुआ, अराउंड 2,36,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो अराउंड 53% का डिलीवरी आज देखने को मिला, वो भी लुकिंग एट द वॉल्यूम वाज ओके। जहाँ तक एम ऑर्डर की सवाल है तो 3,24,000 शेयर्स लगे हुए हैं सेलिंग के लिए एमओ में, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलिंग के लिए ऑर्डर नहीं है, एक नॉर्मल एम ऑर्डर लगी हुई है। क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में अभी पैनिक का माहौल है तो काफ़ी लोग सेफ रहने के लिए एम ऑर्डर लगा कर रख देते हैं सेलिंग साइड में। हो सकता है मॉर्निंग में मार्केट खुल अगर पॉजिटिव रहा तो ये ऑर्डर कैंसिल भी होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि मैं ऊपर जाऊँ या मैं नीचे जाऊँ, क्योंकि ऊपर जाने के लिए चाहिए कोई धमाकेदार न्यूज़, कोई ठोस बात, जो कि अभी तक कोई सामने नहीं आ रही है। और मार्केट में जो डर का माहौल है जिसके कारण भी थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए एक तकलीफ हो रही है ब्राइटकॉम ग्रुप को। अभी तक कंपनी की ओर से क्वार्टर टू के रिज़ल्ट वगैरह ऐसा कुछ बड़ा न्यूज़ निकल कर नहीं आया है, वो हिसाब से एक ही रेंज में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर घूम रहा है। तो कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो फिर से अपर सर्किट में जा सकता है या रैली दिखा सकता है, या कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ गई तो नीचे भी जा सकता है। तो एक डायरेक्शन नहीं है, तो एक कंसोलिडेशन के फेज में है अभी, जो कि कुछ ही दिनों में हमें क्लियर हो जाएगा कि ये ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा। पर चांसेस ऊपर की ओर जाने के ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं कि इतने गिरावट के बावजूद भी शेयर नीचे नहीं जा रहा है, तो ऊपर जाने की चांसेस ही ज़्यादा लग रहे हैं आने वाले दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप में। अब शंकर जी शर्मा जो कि कुछ न कुछ कमेंट करते रहते हैं, अपनी जो भावना है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक्सप्रेस करते रहते हैं, और उन्होंने एक नया ट्वीट किया है और उन्होंने इसमें एक तरह से कहा जाए तो सार्केस्टिक्स या फिर एक टॉन्ट मारा है एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के ऊपर या लीगल सिस्टम के ऊपर उन्होंने टॉन्ट मारा है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्रकार से ब्राइटकॉम ग्रुप को डिफेंड किया है ये ट्वीट करके। क्या कहा है उन्होंने, उन्होंने ट्वीट में कहा है, इट्स ओके दैट 14 मुल्क की पुलिस एक हैदराबाद की कंपनी के पीछे पड़ी है, बट एक इंदौर की कंपनी जो प्लेइंग विच इज़ प्लेइंग कार्बन क्रेडिट गेम के पीछे एक दो देश की रेगुलेटरी पुलिस
को नहीं पढ़ना चाहिए क्या, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है। मतलब उन्होंने ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम नहीं लिया है, बट उन्होंने बताया हैदराबाद की कंपनी मतलब ब्रैडकॉम ग्रुप है। हम लोग जानते हैं कि उसके पीछे 14 मुल्कों की पुलिस, मतलब उन्होंने डॉन फिल्म का डायलॉग मारा है जिसमें डॉन कहता है डॉन के पीछे 11 मुल्क की पुलिस पड़ी है, तो उन्होंने वही डायलॉग का यूज़ किया है डॉन फिल्म का कि ब्रैडकॉम ग्रुप के पीछे इतना इन्वेस्टिगेटिंग चल रहा है, सेबी है, ईडी है, ये है वो है, सब पीछे पड़े हैं, बट जो इंदौर की कंपनी है तो यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि ईकेआई एनर्जी के बारे में उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि उसमें तो डायरेक्ट ऑडिटर ने रिज़ाइन ही कर दिया था ये बोलकर कि सब फाइनेंशियल्स में गड़बड़ है, तो उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ब्रैडकॉम ग्रुप पे ही इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है, ये भेदभाव क्यों है, यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, यही उन्होंने इस ट्वीट से बताने की कोशिश की है। तो ये बात तो सही है कि जब किसी पे एक्शन होता है तो इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ना कि एक कंपनी को तो आप एक नज़रिए से देखो, एक डायरेक्शन में देखो, और दूसरे कंपनी को अलग डायरेक्शन से देखो, अलग नज़रिए से देखो, ये गलत बात है। यही बात बताने की कोशिश शंकर जी शर्मा ने की है, और आशा करते हैं कि इस बात पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है वो गौर करेगी और कुछ न कुछ सोल्यूशन जल्द से जल्द निकलेगा। ब्रैडकॉम ग्रुप पे जो आरोप लगे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका अभी तक कुछ आउटकम निकल कर नहीं आ रहा है, और वही एक बड़ा कारण है कि इतने फैंटास्टिक फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर धक्के खा रहा है, गोते लगा रहा है, एक ही जगह घूम रहा है। तो शंकर जी शर्मा ने ये बात हाईलाइट की है और बताने की कोशिश की है कि एक तरह से इनजस्टिस हो रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ में या उनके प्रोमोटर्स के साथ में, या आप जानते हैं कि उसमें शंकर जी शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है, अक्यूज बनाया गया है इन द मैटर ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉटमेंट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही बताया है कि भाई हम पे तो इतनी ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, हमें ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया गया है, तो ईकेआई एनर्जी के प्रोमोटर्स और बाकी इन्वेस्टर्स उनको क्यों छोड़ दिया गया है, एक तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। और ये जो आर्टिकल में जो न्यूज़ आई है मनी कंट्रोल के, उसमें बताया गया है कि क्या एनर्जी में एक एस इन्वेस्टर सुपर इन्वेस्टर मुकुल जगरवाल का भी होल्डिंग है। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई हम पे तो बहुत कार्रवाई हो रही है, हम पे तो बहुत इंक्वायरी बैठी है, तो उन लोगों को छोड़ दिया गया है, ऐसा उन्होंने एक तरह से तंज कसा है, टॉन्ट मारा है सिस्टम के ऊपर। तो लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव निकल कर आए इस ट्वीट का, कुछ रिएक्शन हमें सेबी की ओर से या और कोई अथॉरिटी की ओर से देखने को मिले, और जल्द से जल्द वो कोई पॉजिटिव एक्शन ले ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, जिसके कारण ये जो कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है वो क्लियर हो। अभी जहाँ तक ब्रैडकॉम ग्रुप का सवाल है, जब तक मैंने आपको बताया कि जब तक कोई बहुत ही पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, और कहीं ना कहीं ऑपरेटर लोग भी कोशिश करेंगे कि इसका सर्किट लिमिट 20% हो जाए, जो कि अभी कुछ दिन नॉर्मल ट्रेडिंग करेगा तो शायद बदल भी जाए सर्किट, इसका सर्किट लिमिट वो कोशिश भी जो है लोग कर रहे होंगे। बट आशा करते हैं कि जल्द से जल्द फिर से डायरेक्शन मिल जाए और ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर फिर से रॉकेट बन के ऊपर जाए, एंड ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर गोज़ टू द मून। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो इन ब्रैडकॉम ग्रुप। और भी एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, पॉसिबल रहा तो मैं रात को फिर से वीडियो अपलोड करूँगा वंस आई रीच माई डेस्टिनेशन, तो और भी बातें करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।